हेलो फ्रेंड, आज के सेशन में हम हिंदी करेंगे। तो हिंदी में आपके 15 क्वेश्चन हैं, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है। सरस्वती प्रेस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए दिया महात्मा गांधी, ऑप्शन बी दिया बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी द राइट आंसर होगा चिंतामणि घोष ने इसका राइट आंसर होगा, जो सरस्वती प्रेस की स्थापना की थी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न प वर्ग के विवरण पूछा है, ऑप्शन ए दिया दंत्य, ऑप्शन बी दिया दंतोष, ऑप्शन सी दिया कठोस, ऑप्शन डी दिया गया ऑस्ट्रिय। ये जो आप प बोलते हैं ना, प ये आपके ओट के द्वारा बोला जाता है ना, ऑस्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं, वो अगले साल आएगा में कारक पूछा गया है कि वो अगले साल आएगा। ऑप्शन ए दे कर्मा, ऑप्शन बी दे कर्ता, ऑप्शन सी दे संप्रदान, बिल्कुल नहीं हो अधिकरण। ठीक है, ये राइट आंसर क्या होगा, इसका डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वो घूमने गया वाक्य में किस काल का वर्णन हो रहा है? ऑप्शन ए दिया गया है आपका संधि वर्तमान, बिल्कुल वर्तमान की बात नहीं है, पूर्व वर्तमान की बात नहीं की गई, भविष्य काल भी नहीं। वो घूमने गए तो ये आपका भूतकाल में आता है। तो राइट आंसर थर्ड इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अधूरी कहानी सुनाई में विशेषण पूछा गया है कि अधूरी कहानी, ठीक है, अधूरी में संख्यावाचक की बात नहीं की गई, गुणवाचक नहीं होगा आपका, सर्वनामिक नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, परिणाम वाचक आपका बी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यथाक्रम किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी दिया गया बहुव्रीहि समास, ये तो होगा ना, ऑप्शन सी दिया गया आपका यहाँ पे अव्ययी भाव, ठीक है, समास, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा अर्धमात्रिक छंद है? ऑप्शन ए रोला, इसका राइट आंसर होगा सोठा, ठीक है, सोठा जो है आपका अर्ध मांत्रिक छंद है, तो बी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? पूछा गया है तत्सम, तत्सम का मतलब होता है संस्कृत वर्ड, और तत्सम का बिगड़ा होता रूप जो होता है तद्भव होता है, क्या बोलते हैं उसको, तद्भव बोलते हैं, ठीक है, तद्भव आपका बिगड़ा हुआ रूप होता है संस्कृत का। तो तत्सम पूछा गया है, जो कि तत्सम आपका संस्कृत वर्ड होता है। ऑप्शन ए ये सत्तु, तो ये तो आपका सत्तु नहीं होगा ये, क्योंकि ये संस्कृत का बिगड़ा हुआ, सरसों भी नहीं होगा, शीर भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, शीतल, शीतल आपका संस्कृत वर्ड है, और शीतल का मतलब जो होता है आपका ठंडक होता है, ठीक है। राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग में सही नहीं है? पूछा गया है, सही नहीं, देखिए प्राचीन का अप्राचीन होता है बिल्कुल सही है, अस्थावर का जंगम होता है बिल्कुल सही है, हास्य का रुदन होता है बिल्कुल सही है, लेकिन सम्मुख का आमुख नहीं होगा। अब बताइएगा सम्मुख क्या होता है, ठीक है, ये आपका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शब्द युग्म शीतशील का अर्थ भेद पूछा गया, ऑप्शन ए ठंडा बंद करना, ठीक है, ऑप्शन बी दिया गया ठंडा चरित्र, बिल्कुल सही है कि शीत मीन्स क्या होता है ठंडा होता है, और सीन मीन्स क्या होता है आपका चरित्र होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। किस वाक्य में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए आप काज महाकाज, ठीक है, ऑप्शन बी दिया गया वो अपने आप चला जाएगा, बिल्कुल नहीं, मैंने अपना काम कर लिया, ये भी नहीं, आप गांव से कब आए हैं, ठीक है, जब बड़े लोग होते हैं ना, अब ऐसे थोड़ी बोलेंगे आप गांव से कब आया, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आप गांव से कब आए, एक ही पर्सन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे राइट आंसर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सकर्मक क्रिया कौन सी पूछा गया, सकर्मक, ठीक है, ऑप्शन ए लिख रहे हैं बिल्कुल सही है कि आपका सकर्मक है, बाकी क्या है आपका अकर्मक है, सोना, हंसना और रोना, ठीक है, ये आपका क्या अकर्मक क्रिया है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राम खाना खाता है वाक्य में कौन सा वाच्य? पूछा गया कि राम खाना खाता है तो वाक्य में कौन सा आपका वाच्य, ऑप्शन ए दिया कर्मवाच्य, ऑप्शन बी दिया गया यहाँ पे कर्तव्यवाच्य। तो राइट आंसर क्या होगा, कौन खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है ना, तो यहाँ पे कर्तव्यवाच्य जगह, तो राइट आंसर क्या होगा, बी। उसके बाद चलते तारे गिनना मुहारे का अर्थ पूछा गया है, तारे गिनना मुहारे, ऑप्शन ए नींद ना आना, बिल्कुल सही है कि तारे हम जब गिनते हैं तो उसका मतलब कि नींद नहीं आती, मुहारा पूछा गया, क्रोध का आना नहीं होगा, हार मानना भी नहीं होगा, अधिकार रखना। उसके बाद चलते नहीं, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ है विशेषण, ठीक है, और निश्चित जाति भी नहीं है आपका, कृपा भी नहीं है, नमक भी नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा, कुलीन। देखिए कुल से आपका क्या बना है, लीन बना है, ठीक है, तो ये आपका कुलीन हो जाएगा, तो ये आपका विशेषण है ना, तो राइट आंसर इज द करेक्ट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।